गाइज, आज के इस वीडियोज में हम लोग लुसिटर के ऊपर चलेंगे और जो है सो थोड़ा सा उसके डैशबोर्ड को समझेंगे। सबसे पहले हम लोग चलते हैं फाइल के अंदर। फाइल के अंदर हम एक न्यू वाले ऑप्शन पे आएंगे और सबसे पहला जो काम करेंगे हम लोग लुसिटर में, किसी भी काम को करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ता है, एक डॉक्यूमेंट क्रिएट करना पड़ता है। जैसे कि यहाँ पे आप देखोगे न्यू डॉक्यूमेंट यहाँ पे लिखा हुआ है। तो न्यू डॉक्यूमेंट में क्या करना है, आपको एक नया डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है। तो डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए आपको एक डॉक्यूमेंट का साइज लेना पड़ेगा। तो वो साइज हम कहाँ से लेंगे, वो यहाँ पे जो लेफ्ट राइट बार में आपको दिख रहा है यहाँ से विड्थ है और हाइट है। तो हम अभी फिलहाल के लिए स्क्वायर शेप उठा लेते हैं, मतलब स्क्वायर में कोई भी एक ऐसा जो है हम साइज मेंशन कर देते हैं। टॉप में भी हम क्या करेंगे 1080 डाल देंगे और इसका जो बॉटम है हाइट उसमें भी हम क्या करेंगे 1080 डाल देंगे। और उसके बाद जो है हम लोग क्या करेंगे क्रिएट पे क्लिक कर देंगे। तो हमारा क्या हो गया, एक डॉक्यूमेंट क्रिएट हो गया। डॉक्यूमेंट क्रिएट होने का मतलब, जैसे देखिए यहाँ पे ये अनटाइटल्ड लिख के जो आ रहा है, मतलब हमारा अनटाइटल्ड नाम से जो है क्या हो गया, एक डॉक्यूमेंट क्रिएट हो गया। अब इस डॉक्यूमेंट के अंदर क्या है कि हम लोग जितना चाहे उतना आर्टबोर्ड बना सकते हैं, ठीक है। और उस आर्टबोर्ड का साइज जो है हम अपने हिसाब से डिफाइन कर सकते हैं। जैसे कि अभी एक डॉक्यूमेंट के अंदर बाई डिफॉल्ट एक आर्टबोर्ड होता है। जैसे अगर आप डॉक्यूमेंट क्रिएट करेंगे तो वहां पे एक आर्टबोर्ड जो है बाई डिफॉल्ट आपको क्रिएट करना ही पड़ेगा और क्रिएट होकर के ही आएगा। ऐसा नहीं है कि आप डॉक्यूमेंट क्रिएट किए वहां पे जो है सो आप जो है सो आर्टबोर्ड क्रिएट नहीं हो सकता, वो होना ही है उसको, क्योंकि आप जो डिजाइन बनाएंगे तो वो आर्टबोर्ड पे ही बनाएंगे। तो जब भी आप डॉक्यूमेंट क्रिएट करेंगे तो वहां पे क्या होगा, आपको जो है सो एक आर्टबोर्ड बन करके आएगा। तो यहाँ पे एक बाई डिफॉल्ट बन करके आता है और हम यहाँ से टूल बार में यहाँ से देखिए, जैसे ये है आर्टबोर्ड का ऑप्शन, या इसको अगर हम सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे हम जितना चाहे उतना आर्टबोर्ड जो है सो हम क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। एक डॉक्यूमेंट के अंदर हम चाहे तो 500 आर्टबोर्ड क्रिएट कर सकते हैं, हम चाहे तो 5 आर्टबोर्ड क्रिएट कर सकते हैं, हम चाहे तो 10 आर्टबोर्ड क्रिएट कर सकते हैं। तो आर्टबोर्ड हम क्यों क्रिएट करेंगे, जैसे कि अगर आपको पता होगा एक एग्जांपल में लेके आपको समझाता हूँ। एक एग्जांपल अगर मैं आपको दिखा दूं, अभी लेटेस्ट वाला जो मैंने डिजाइन बनाया था, मानसून के ऊपर चलते हैं और यहां से कोई भी एक हम एफबी पोस्ट खोल लेते हैं, ठीक है। तो जैसे कि देखिए अगर आपको एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं, एक हम ले लेते हैं ये एफबी पोस्ट और एक एग्जांपल हम ले लेते हैं सोशल मीडिया का, कोई भी एक जो है सो हम डिजाइन ले लेंगे। सपोज कीजिए हम ये डिजाइन ले लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे इसमें यहाँ पे जो आपको तीन डॉक्यूमेंट दिख रहा है, एक यहाँ पे पहला जो भी हमने बनाया है स्क्वायर शेप में, ठीक है, जिसका की साइज आपको 1080 हाइट है, विड्थ है 1080 हाइट है, ये जो मैंने अभी बनाया था। दूसरा जो मैंने अभी आपको बना बनाया डिजाइन दिखा रहा हूँ मैं अभी आपको, जो कि जिसपे मैं पहले से काम कर चुका हूँ, ठीक है। और एक और है हमारे पास ये, जिसको कि मैं इस पर भी पहले से क्या कर रखा है, इस पर भी मैंने काम कर रखा है। तो अब ये तीनों जो है सो ऑप्शन मेरे पास है, ठीक है। तो सबसे पहले इस पे हम जाएंगे, तो यहाँ पे मेरे पास एक जो है सो डॉक्यूमेंट है, उसके अंदर जो है हमारे पास क्या है, एक आर्टबोर्ड है। तो एक आर्टबोर्ड का मतलब क्या है कि हम जो कोई डिजाइन बनाएंगे तो वो हमारे लिए कितना मतलब जो है सो मतलब हेल्पफुल होना चाहिए। जैसे कि मतलब मान लीजिए कोई डिजाइन को हम बना रहे हैं, तो जैसे कि यहाँ पे देखिएगा आप एक डिजाइन बना हुआ है, ठीक है। अगर यहीं पे अगर आप देखिएगा यहाँ पे तो डिफरेंट टाइप का जो है सो आपको वेरिएंट दिख रहा है, जैसे मैकबुक एयर है, मैकबुक प्रो है, आईपैड है, वॉच है, ठीक है, आईपैड एयर है। तो अगर आपको जैसे कि मतलब एक ही डॉक्यूमेंट के अंदर एक ही डिजाइन का तीन चार सैंपल्स बनाना है, ठीक है, तीन चार जो है सैंपल्स बनाना है, तो आप क्या कर सकते हैं उस केस में जो है डिफरेंट टाइप के आर्टबोर्ड्स जो है आप ले सकते हैं, ठीक है। और डिफरेंट टाइप के आप साइज को भी उसको आप डिफाइन कर सकते हैं। जैसे मेरे केस में क्या है कि जैसे देखिए मैंने यहाँ पे एक जो है सो एप्पल का प्रोडक्ट है, जिसको कि मैंने जो है सो जिसका कि कई सारे कैटेगरीज है, एप्पल के बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं, जैसे कि एप्पल वॉच हो गया, आईफोन हो गया, मैकबुक एयर हो गया, आईपैड हो गया, ठीक है, मैक मिनी हो गया, उसके एयरपॉड्स होते हैं, ठीक है। ये सारे प्रोडक्ट क्या है, कैटेगरीज वाइज डिवाइड है। तो यहाँ पे देखिएगा आप सब जो है सो आर्टबोर्ड पे, और मैं यहाँ से आर्टबोर्ड वाला टूल सेलेक्ट करूंगा, तो देखिए सब पे जो है एक तो रीनेम हो रखा है सब पे, मैकबुक एयर M1 यहाँ से आप इसको रीनेम कर सकते हैं, और बाय डिफॉल्ट सब पे अलग अलग डिजाइन बना है। तो इनके हिसाब के पास अगर एक डिजाइन है, जिसमें कि अगर आप एक सिंगल डिजाइन पे काम कर रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, एक सिंगल जो है सो आर्टबोर्ड लेंगे। अगर आपके पास मल्टीपल ऑप्शन है तो आप वहां पे क्या करेंगे, मल्टीपल जो है सो आर्टबोर्ड क्रिएट करेंगे, तब जाकर के आप क्या करेंगे उस पर काम करेंगे। सपोज कीजिए आपने ये डिजाइन बनाया, इसी में आपको तीन चार वेरिएंट बनाना है। मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ, यहाँ से हम चलेंगे और एक नया डॉक्यूमेंट
क्रिएट करेंगे। क्रिएट करने के बाद जो है जैसे आपने एक जो है यहाँ पे डिजाइन बना लिया, ठीक है, इसी को आपको थोड़ा सा और जो है किसी और वे में डिजाइन करना है, तो आप इस पे नहीं काम करेंगे। इस पे काम करेंगे तो क्या होगा कि ये जो है सो चेंजेस हो जाएगा। फिर से अगर क्लाइंट आपसे यही वाला मांगेगा तो आपको क्या पड़ेगा, फिर से आपको इस टाइप से बनाना पड़ेगा। अगर मैं आपको दिखा दूं यहां से, अगर मान लीजिए मुझे लोगो टॉप पे लगाना है और इस इमेज को बॉटम पे ले जाना है, ठीक है, तो हम जो है सो एक बार इसको बॉटम पे ले जाएंगे, इसको यहाँ पे टॉप पे ले जाएंगे, ठीक है, और इस टेक्स्ट को हम यहाँ पे डाल देंगे। तो हमारे पास देखिए अब क्या हो गया, दो जो है सो डिजाइन बनके रेडी हो गया, एक ये है और एक ये है। तो इसके लिए मुझे नया डॉक्यूमेंट क्रिएट करने की जरूरत नहीं पड़ी, ठीक है, यहां से हम नया डॉक्यूमेंट जो है सो क्रिएट करने की हमें जरूरत नहीं पड़ी। हमने क्या किया, एक ही डॉक्यूमेंट के अंदर जो है सो दो डिजाइन बनाए। अब इसको हम अगर एक्सपोर्ट भी करेंगे तो यहाँ पे दो डिजाइन यहाँ पे जो है आपको दो एक्सपोर्ट होकर के आएगा, दो इमेजेस, पहले पे हमें पहला ये दिखेगा और दूसरे पे हमें दूसरा ये दिखेगा। तो हम लोग आर्टबोर्ड जो है सो इसीलिए एक डॉक्यूमेंट के अंदर डिफरेंट टाइप के आर्ट्स बोर्ड बनाते हैं ताकि वहां पे डिफरेंट टाइप के डिजाइन को हम लोग जो है सो बना सके। अगर मान लीजिए मुझे इसी को एक और जो है सो क्लाइंट को अगर मान लीजिए यही डिजाइन जो है उसको तीन चार फॉर्म में आपको देना है, तो आप क्या करेंगे, एक ही डॉक्यूमेंट के अंदर तीन चार जो है सो आप क्या करेंगे आर्ट बोर्ड बनाएंगे और उस पर जो है सो आप काम करना स्टार्ट कर देंगे। सब कुछ कीजिए, मेरे पास एक डिजाइन है और इसको हमें जो है सो एक और जो है सो किसी और वे में बनाना है, तो हम क्या करेंगे यहाँ से सेम आर्ट बोर्ड पे एक आर्ट बोर्ड क्रिएट करेंगे सेम डॉक्यूमेंट पे, ठीक है, इसको ले जाएंगे लेफ्ट में और इस वाले टेक्स्ट को हम क्या करेंगे यहाँ पे डाल देंगे। देखिए हमारे पास तीन टाइप के डिजाइन जो है सो बनके रेडी हो चुका है और तीनों क्या है एक ही डॉक्यूमेंट के अंदर जो है सो बना हुआ है, बट है यहाँ पे क्या आर्टबोर्ड अलग अलग है। एक आर्टबोर्ड पे हमने ये बना रखा है, एक आर्टबोर्ड पे हमने ये डिजाइन बना रखा है, एक आर्टबोर्ड पे हमने ये डिजाइन बना रखा है। जब हम इसी को एक्सपोर्ट करेंगे, यहाँ से एक्सपोर्ट एज करेंगे और यूज आर्टबोर्ड कर देंगे, जैसे हम यूज आर्टबोर्ड करेंगे, देखिए यहाँ पे तीन आर्टबोर्ड है, ठीक है, एक दो तीन, तीन आर्टबोर्ड है। तो एक्सपोर्ट करते टाइम हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे एक्सपोर्ट एज करेंगे तो यहाँ पे यूज आर्टबोर्ड और यहाँ पे ऑल सेलेक्ट कर लेंगे, मतलब जितना भी हमारे पास आर्टबोर्ड है सबको हम एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, और यहाँ से एक्सपोर्ट कर देंगे तो हमारे पास जो है सो देखिए तीन डिजाइन जो है सो बन के यहाँ पे आ चुका है, बन के जो है सो आ चुका है, ठीक है। तो हम लोग आर्टबोर्ड इसीलिए क्रिएट करते हैं और इस आर्टबोर्ड का हम लोग साइज अपने हिसाब से क्या कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं आपको एक और एग्जांपल दिखा दूं, तो हम एक स्टैंडी ले लेते हैं, ठीक है, तो चलते हैं हम स्टोर लॉन्च पे और यहां से हम एक जो है सो सर्च कर लेंगे स्टैंडी, जो कि मैंने अभी बना रखा है, या फिर ईजल सर्च कर लेते हैं। ईजल है हमारे पास ये, इसको हम क्या करेंगे ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद देखिए, अब मैंने ये इसलिए आपको मैं एग्जांपल्स दिखा रहा हूं, जैसे कि आपको थोड़ा सा जो है सो क्लियर हो जाए कि हम लोग आर्टबोर्ड क्यों क्रिएट करते हैं और आर्टबोर्ड क्रिएट करते हैं तो मतलब एक डॉक्यूमेंट के अंदर हम लोग किस किस टाइप के आर्टबोर्ड क्रिएट कर सकते हैं और उसके जो है सो साइजेस को हम लोग कैसे मैनेज कर सकते हैं। अगर आप यहाँ वाले इस वाले पोस्ट में आइएगा, इस पोस्ट में क्या है, देखिए तीनों का साइज जो है हाइट और विड्थ जो है आपको सेम लगेगा, ठीक है, सारे पोस्ट का हाइट और विड्थ क्या है 800x800 होगा। देखिए यहाँ से 800x800 इसका भी है, 800x800 इसका भी है और इसका भी 800x800 आपको दिख जाएगा। सेम अगर आप यहाँ भी जाएंगे तो सोशल मीडिया पोस्ट बेसिकली बनता ही है स्क्वायर शेप में, तो ये सारे जो है सोशल मीडिया पोस्ट है, ठीक है, तो यहाँ भी आपको सब जो है सो 550 सबका आपको जो है 550 यहाँ पे दिख जाएगा, सबका साइज सेम होगा। तो हम इस पे आ जाते हैं, ठीक है, एक डॉक्यूमेंट के अंदर यहाँ पे भी देखिएगा आप, तो तीन चार जो है सो आर्टबोर्ड बना आर्टबोर्ड लिया गया है, उसके अंदर जो है सो तीन चार डिजाइन जो है सो तकरीबन पांच डिजाइन यहाँ पे बने हुए हैं। बट यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे देखिएगा हर आर्टबोर्ड का जो है सो साइज अलग अलग है। अगर मैं आपको फिर से यहाँ से आर्टबोर्ड वाला ऑप्शन पे लेके चलूँ और पहले वाले आर्टबोर्ड को अगर मैं दिखा दूँ, देखिए यहाँ पे इसका जो हाई विड्थ है वो 30 इंच है, ठीक है, और हाइट जो है इसका 72 इंच है, मतलब ये जो है सो अढ़ाई फिट बाई 6 फिट का ये जो है स्टैंडी है। बट सेकंड वाले पर अगर हम जाएं यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे इसका जो विड्थ है वो 24 इंच है, मतलब 2 फिट का है, और हाइट इसका जो है 36 इंच है, मतलब 3 फिट का है।
तो ऐसा नहीं है कि हम लोग एक जो है सो डॉक्यूमेंट के अंदर आर्टवर्क को कस्टमाइज भी कर सकते हैं अपने हिसाब से, जो उसके साइज को हम लोग क्या कर सकते हैं, सेट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे करके हम लोग क्या करते हैं सो पूरा एक डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं। और डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए आपको जाना कहाँ है, फाइल में जाना है, यहाँ से न्यू सेलेक्ट न्यू पे क्लिक करना है। जैसे ही न्यू पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए न्यू डॉक्यूमेंट का एक जो है सो आपको बाय डिफॉल्ट ये पैनल ओपन होगा। इस पैनल पे आपको जाना है। इस पैनल में अगर आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ से मोर सेटिंग्स में चले जाइए तो आपको जो है पूरा इस डॉक्यूमेंट का जो है पूरा एक जो है सेटिंग्स खुल करके आ जाएगा, जहां पर कि आप यहाँ पर डॉक्यूमेंट का नाम मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो है सो आप उसके प्रोफाइल को सेट कर सकते हैं। प्रोफाइल मतलब कि आप प्रिंट के लिए काम कर रहे हैं या फिर वेब के लिए काम कर रहे हैं या फिर कई सारे जो डिजाइन बनते हैं वो मोबाइल के लिए बनते हैं। अगर आप वीडियो पे काम कर रहे हैं, जैसे आप एनिमेशन पे काम कर रहे हैं, 2D एनिमेशन पे काम कर रहे हैं या फिर 3D एनिमेशन पे काम कर रहे हैं, तो ये चीजें भी जो है इलस्ट्रेटर से बनाई जाती हैं। तो आप यहाँ से फिल्म एंड वीडियो को सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप आर्ट एंड इलस्ट्रेशन कर रहे हैं तो आप उसके लिए यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप प्रिंट के लिए काम करें तो प्रिंट के लिए सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से देखिए आप जब नीचे आप आइएगा तो नंबर ऑफ आर्टबोर्ड है, मतलब यहाँ पे जो मैंने आपको दिखाया है कि कितना आर्टबोर्ड आप इसमें क्रिएट करना चाहते हैं। अगर आप यहाँ पे 500 मेंशन कर दीजिएगा तो यहाँ पे 500 आर्टबोर्ड जो है इस साइज के अंदर जो है जो क्या होगा वो क्रिएट होकर के आ जाएगा। ठीक है, और सबके बीच का स्पेसिंग कितना रखना है, जैसे कि मान लीजिए दो आर्टबोर्ड है, दोनों आर्टबोर्ड के बीच में कितना गैप आपको देना है वो यहाँ पे आपको डिफाइन करना है। तो हम यहाँ पे 50 PT मेंशन कर देते हैं। और जो हम 500 आर्टबोर्ड क्रिएट करेंगे वो किस वे में होना चाहिए, इसे देखिए यहाँ पे लेफ्ट टू राइट में जाएगा पहले, फिर आएगा लेफ्ट में, फिर राइट में जाएगा। अगर हम चाहें ग्रिड बाय रॉ है यहाँ पे, अगर ऐसे अगर हम ग्रिड बाय कॉलम, मतलब ये रॉ वे में चलेगा, रॉ में मतलब एक के बाद एक, एक के बाद एक। अगर हम कॉलम में कर देंगे तो ये कॉलम टाइप में जाएगा। ठीक है, एक ऊपर एक नीचे, एक नीचे एक नीचे एक नीचे, फिर जाएगा राइट पे, फिर नीचे फिर नीचे फिर नीचे। ठीक है, ऐसे करके ये है आपको रॉ के हिसाब से, फिर ये कॉलम के हिसाब से, और फिर ये जो है राइट टू लेफ्ट के हिसाब से। तो ये आप यहाँ से बाय डिफॉल्ट यही रहने दें। ठीक है, यहाँ पे ये बोल रहा है कि 23 कॉलम्स बनेंगे अगर 500 अगर हम आर्टबोर्ड जो है यहाँ पे लेते हैं, जिसमें कि 25 हम जो है सो 50 जो है स्पेसिंग देते हैं, तो यहाँ पे मतलब 23 कॉलम्स बनेंगे। ठीक है, अब 23 कॉलम्स को 500 से आप जो है सो डिवाइड कर दो, 500 को 23 से। ठीक है, तो एक कॉलम में कितना हमारा जो है सो आर्टवर्ड आएगा, 500/23, तो 21, यानी कि हम 21 या 22 जो है सो 21 जो है आर्टवर्ड जो है हम इस साइज में जो है क्या कर सकते हैं, एक कॉलम में सेट कर सकते हैं। तो यहां से अगर हम चाहें तो इसके साइज को भी हम यहां से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, 500/500 रख सकते हैं। बाई डिफॉल्ट आपको यहाँ पे साइज में जाइएगा तो आप A4 है या फिर प्रिंट लीगल है, A3 है, B4 है, A5 है, बाई डिफॉल्ट इनके कुछ जो है सो साइजेस प्रीसेट्स होते हैं बने हुए। जैसे कि अगर A4 अगर आपको A4 का साइज अगर आपको नहीं पता है, अगर आप यहाँ से लेना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से A4 को सिलेक्ट करेंगे और ऑटोमेटिक ये जो है क्या करेगा उस साइजेस को जो है उठा लेगा यहाँ से। ठीक है, तो ये आप जो है सो सिलेक्ट यहाँ से कर सकते हैं। नीचे आइएगा तो यहाँ से आप यूनिट को चेंज कर सकते हैं, जैसे पिक्सल्स है, पॉइंट्स है, पिक्स है, इंचेज है, किस यूनिट में आपको काम करना है। जैसे अगर बेसिकली आप जो सोशल मीडिया साइट्स बना सोशल मीडिया जो है सो पोस्ट बनाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे आप पिक्सल्स में काम करते हैं। जब आप स्टैंडी बनाते हैं तो वहाँ पे क्या है आप उसको फीट में या फिर इंचेज में जो है सो आप क्या करते हैं मेजरमेंट करते हैं। ठीक है, ऐसे ही करके जिस भी चीज पे आप वर्क कर रहे हो, जैसे आप प्रिंट का काम कीजिएगा तो यहाँ पे सेंटीमीटर या फिर मिलीमीटर में आप काम कर सकते हैं, जहाँ पर कि आप होर्डिंग्स हो गया, बैकड्रॉप हो गया, इन सारी चीजों को अगर आप बनाते हैं तो आप उसको मिलीमीटर या सेंटीमीटर में जो है सो मेजर कर सकते हैं। बेसिकली यूनिट जो है एक यूनिट क्या है एक ऐसा मतलब मेजर करने की वो है कि आप जो है सो अपने आर्टबोर्ड में जो डिजाइन को बनाएंगे उसको मेजर आप किस इसमें यूनिट में करेंगे। पिक्सल्स में करना चाहते हैं तो पिक्सल्स में कर सकते हैं, पॉइंट्स में करना चाहते हैं तो पॉइंट्स में कर सकते हैं। तो ये चीजें आप यहाँ से बाई डिफॉल्ट जो है आप डिफाइन कर सकते हैं। अब ये है देखिए यहाँ पे ओरिएंटेशन है, मतलब आप इसको पोर्ट्रेट रखना चाहते हैं या फिर लैंडस्केप रखना चाहते हैं, तो ये चीजें आप यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं। नीचे यहाँ पे जो है ग्लीड का ऑप्शन आ रहा है आपको, ग्लीड मतलब जो है सो जब आप डिजाइन बनाएंगे तो उसके एरिया उसके चारों साइड से आप कितना का ग्लीड लेना चाहेंगे। सपोज कीजिए ये जो है सो एक बुक है, ठीक है, और इस बुक के अंदर देखिए यहाँ पे जो है सो थोड़ा थोड़ा एरिया गैप छूटा हुआ है, यहाँ पे लेफ्ट साइड में भी होगा, राइट साइड में भी होगा, टॉप में भी होगा, और कंटेंट वाला पार्ट जो है वो इतना ग्लीड लेकर के छूटा हुआ है चारों साइड से, और बीच में ये कंटेंट वाला पार्ट है। ठीक है, तो ये ग्लीड आप यहाँ से ले सकते हैं कि आपको 1 इंच ब्लीड रखना है, 2 इंच रखना है या फिर नहीं रखना है।
ठीक है। तो बेसिकली ये ब्लीड जो है प्रिंट के लिए काम किया जाता है। जब आप प्रिंट में प्रिंट मीडिया के लिए काम करेंगे तो वहां पे आपको ब्लीड लेके काम करना पड़ेगा, ताकि प्रिंट में जो है किसी भी चीज में जब आप प्रिंट करवाएं तो वो चीजें कटे ना, ठीक है। तो ब्लीड हम लोग वहां पे जो है 1 इंच हो गया, 1/2 इंच हो गया, हम वो लोग वहां पे उसको रखते हैं। नीचे अगर आप आइएगा एडवांस में, तो कलर मोड आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि जो है सो आपको RGB में रखना है या फिर CMYK में रखना है। तो दो वेरिएंट होता है कलर के बेसिकली इलस्ट्रेटर के अंदर, ठीक है। एक तो CMYK होता है, सियान मजेंडा येलो ब्लैक, और दूसरा जो होता है वो RGB होता है, रेड ग्रीन और ब्लैक। इन दोनों कलर से ही जो है सारा कलर मिक्सअप होकर के बनता है। CMYK में 4 कलर्स होते हैं, इन चारों कलर्स को मिला करके जो है पूरे यूनिवर्सल कलर बनता है, और RGB में जो है 3 कलर मिलकर के पूरे यूनिवर्सल कलर मिलता है। तो आप बाई डिफॉल्ट जो है वो डिपेंड करता है कि आपके ऊपर कि आप जो है सो कौन सा जो है सो कलर मोड जो है आप सेलेक्ट करके रखते हो, ठीक है। ये है रास्टर इफेक्ट। रास्टर इफेक्ट है मतलब कि आप कितना जो है सो, जैसे अगर आप 300 DPI पे आप रखेंगे तो आपका जो है सो प्रिंट का क्वालिटी जो है सो बहुत अच्छा रहेगा, और इससे जो है आपके डिजाइन में जो है बहुत ज्यादा जो है सो क्वालिटी इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। तो मैं रिकमेंड करूंगा आप जो है सो PPI 300 पे ही सारा काम को करें। प्रीव्यू मोड है, तो प्रीव्यू मोड में आप पिक्चर्स या फिर डिफॉल्ट रख दें, और यहाँ से जो है आप क्या करें क्रिएट डॉक्यूमेंट पे आप क्लिक कर दें। जैसे क्रिएट डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ से एक रॉ में जो मैंने आपको बताया था 23 जो है यहाँ पे देखिए एक कॉलम के अंदर एक रॉ के अंदर 23 जो है सो आर्ट बोर्ड बने हैं, और ऐसे ही करके यहाँ पे देखिए टोटल 500 आर्ट बोर्ड जो है बन चुका है यहाँ पे। बाई डिफॉल्ट आप किसी भी आर्ट बोर्ड का आप साइज चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से उसके साइज को आप क्या कर सकते हैं चेंज कर सकते हैं, तो ये चेंज हो जाएगा, ठीक है। ये मैंने एक एग्जांपल के लिए आपको बताया है कि कैसे हम लोग जो है सो 500 आर्ट बोर्ड तक जो है सो हम लोग क्या कर सकते हैं इलस्ट्रेटर के अंदर क्रिएट कर सकते हैं। थाउजेंड्स ऑफ आउट बोर्ड जो है सो हम लोग क्या कर सकते हैं क्रिएट कर सकते हैं एक डॉक्यूमेंट के अंदर। अगर आपके पास थाउजेंड्स ऑफ डिजाइन है बनाने के लिए, एक ही मतलब एक ही डिजाइन के अकॉर्डिंग आप उस पर काम करना चाहते हैं, तो आप थाउजेंड्स ऑफ क्या कर सकते हैं आर्टवर्क क्रिएट कर सकते हैं, और उस पर जो है आप अपना डिजाइन बना सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे बनाया है, तो मैंने यहाँ पे मेरे पास जो डिजाइंस था वो तकरीबन जो है सो 11 डिजाइंस है, ठीक है, 11 और 12 डिजाइंस है। तो मैंने 12 आर्टवर्क लेकर के 12 डिजाइन को जो है सो एक ही जगह जो है एक ही डॉक्यूमेंट के अंदर मैंने बना दिया है। तो ये है इलस्ट्रेटर का बेसिक्स, जहाँ पे कि हम इलस्ट्रेटर को जब भी सीखते हैं तो ये उसका बेसिक चीज है कि कैसे हम लोग जो है स्टार्टिंग में इलस्ट्रेटर को सीखते हैं और डॉक्यूमेंट कैसे बनाते हैं, आर्टवर्ड पे कैसे काम करते हैं। तो इन चीज़ों के बारे में बेसिकली आपको जानना बहुत इंपॉर्टेंट है जब आप बेसिक स्टार्ट करेंगे इलस्ट्रेटर को सीखना तब। तो ये हो गया, तो अब आज के इस वीडियोज में इतना ही रन देते हैं। नेक्स्ट वीडियोज में हम लोग और चीज़ों को कवर करेंगे, तो तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारे वीडियोज को। थैंक यू फॉर